दिया। तो गाइस हमने बनाने शुरू कर दिए हैं पकोड़े। बाकी ना अपना पकोड़े बनाने नहीं डर सा लग गया। तो गाइस आप घेर जाए, एक तो सोचू हाथ का के घेर दू भाई। वही बात है, जान सबने प्यारी है अपनी, डर लगा छीट लगे ना ले सही नहीं होगा। पहले तो मैं दक्षु खातर बनाई दू जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई इसका टाइम हो रहा है ट्यूशन का। दक्षु आ गया था भाई जी। और ही ठीक है, मम्मी पकोड़े बनाए थे, पकोड़े बनाए थे, मैं भाई खा का भी गिर जाए। भाई तू आगे क्यों मड़ा कर रही है, कौन सी हैबिट है भाई तेरी? आए गुंडा बेटा, क्या है नहीं बन खा। ये दिन के रात तक हो गए हैं पकोड़े, यहाँ आज रोटी भी नहीं खाने गए हैं, है ना भाई? और हाँ सही बात है ना। इन्हें तो है तली हुई चीज पूरी, पकोड़े ये तो इनके फेवरेट है, नमकीन चावल इन्हें डेली दे देते। आपके भी फेवरेट रहे रहे। मेरे नमकीन चावल फेवरेट है, माने तो जरूर घसीटेंगे बीच में, बेइज्जती करवाना। बेइज्जती कहते हैं इसमें, जिसकी जी चीज फेवरेट है वो तो फेवरेट है। और मतलब भाई ये तो गिर दिए है ना, सही आवा कि नहीं? बाकी मारे गैस तो अंधेरा ही आया था ना, दिखाइए इसके बैग में जल्दी जल्दी, इतना महंगी और सेक दूंगी। यहाँ पीछे खा लगा कुछ कुछ तो खा गया, कुछ फिर खा लगा लगाई जो मैं कड़ा कड़ा कर दूंगा, कच्चे न रहेंगे, क्योंकि मैंने आलू ना थोड़े मोटे मोटे से डाल रखे थे। आज या कल पकौड़े पकौड़े की लेवांगे भाई, हम ना बोर हो लिए जो सच में नू हो जाए कि बनाऊँ क्या की कलिप दिखाऊँ, तो इस करके मैंने सोचा पकौड़े ही कलिप ले लिया। हर रोज तो वही बात है भाई, ये पकवान खा ही नहीं जाते, क्योंकि ये रोज नुकसान भी दे। मैं कभी कभार बनाया करा, हम तो त्यौहार बार पर, तो ये हमारी उधार सी रहती थी, इस करके मैंने बनाए थे भाई। ये देखो ये कड़क ही। हेलो जी, राम राम जी, सारा ने स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो भाई गाइज मैं और उतार रही हूँ पकोड़े, क्योंकि भाई सीढ़ी सातम की उतार रही थी। सीढ़ी सातम ने हमने पकोड़े वगैरह कुछ भी नहीं उतारा था हमने, तो बस वो क्या बोले कर रहे हैं, अमन ने सूखा दूध मिला था, हलवा तो वैसे बनाई लिया था, और बाकी ना ये पकौड़े वगैरह नहीं उतारे थे हमने। तो जो सूखा दूध मिला था ना, उसकी ना मैंने बर्फी बनाने को नहीं आती, उसकी मैंने बर्फी बना ली थी, इतनी टेस्टी बनी थी वाकई, हम बहुत मस्त और मैं खाने खाने के 3-4 दिन तक खाई। तो इस करके मैंने ज़्यादा पकोड़े वगैरह कुछ नहीं बनवाए थे, तो वह उधार सी रहती मगर सीढ़ी से अपने हमने पकौड़े नहीं उतारे, तो इस करके हम आज उतार लिया पकौड़े। तो वही पूरा मैंने आलू प्याज कट करके नहीं बेसन का घोल कर रखा है, और पूरा उतरन लग रहे मेरे पकौड़े, देख लो भाई जी उतरन लग रहे हैं अभी धीरे धीरे, और दक्षु लग रहा हाँ, दक्षु का पूछने का टाइम हो जाएगा है, दक्षु पूछ तो ले किसी ने, अरे पूछ तो ले किसी ने, जुट रहा मेरे बेटा खा ले, किसके फेवरेट है भाई, जमा टूट कपड़ा का मेरे बेटा पकौड़े के ऊपर। तो गई जी मैं तुम्हें तैरिया करूँ जो कर आलू पकौड़े वगैरह कट कर कर, आलू पकौड़े को आलू प्याज वगैरह कट कर कर ना, और वही मैं उसमें नमक हल्दी मिर्ची धनिया वगैरह जो भी डालना हो अपना अमचूर वो डाल दिया करूँ, और अपना ऐसे ही बनाया करो भाई, अपना अपना तरीका अलग होया करा सबका। आप बेबे सब बताइए, आप भी इस तरह उतारा करो भी मेरी तरह, मैं तो बस सिंपल से ऐसे ही बनाया करो। ब्रेड तो बल्कि मैंने इतने खास कर बनाने भी नहीं आते, पकौड़े तो मैं उतार लिया करूँ, ब्रेड को नहीं मैंने इतने उतारे ना, मैंने आज तक ब्रेड के पकौड़े बनाए भाई, सही बात बताऊँ मैं, कह दू भी मैंने बनाए हैं ब्रेड के पकौड़े, मैंने आज तक बनाए नहीं है ना, मैंने बनाने आते भाई, मैंने तो ये पकौड़े पकौड़े आवा बस सिंपल, ब्रेड वाले को नहीं आते भाई इसमें, तो ये तो मैं उतार लूँ देखो, बिल्कुल कड़क कड़क कर दूंगी इसने भाई, गैस तो धीरे धीरे ही बढ़ेगी है ना, और उसका तो हूँ बिजली वाला चूल्हा तो जल्दी बन जाते, इतने एक कम बनाऊ तैर दिखाऊंगा अपने गाय को, ये मैंने इसमें डाल दी रोटियाँ वाले मैं डाल दिए, मैंने डब्बे में वहाँ कुछ नहीं बोलते, इसका मैं मिक्स हो जाएंगे चिकड़ी वाले है ना। तो भाई अपना अपना तरीका अलग अलग होया करे, बाकी ना बच्चे टूट कपड़े आ करे पकौड़िया के ऊपर कुछ भी चीज़ हो, फिर एक बार तो गुडबाई भी मगा कैंसल कर दू, फिर देख सुनू बोला ना मैं पकौड़े खाऊंगा, तो पकौड़े मैंने फिर अपना बनाने जरूरी समझे दे आसमान का टाइम हो गया। हाँ बस ये एक दो खा का बच जाएगा छोड़ेगी, तो का हो गया 3 तो ऊपर हो गए, 3.5 तो, 3.5 का तो है टाइम, देख रे एक दो और दे दे इसने, और खा का बच जाएगा, दो दे दे दो और दे दे खा लेगा, खाओ खंदसु एक दो अपना ले जा पैक करके ले जाता, तो लेके जाओगा आके खा लिए ठीक है, बाकी के बाद ले डाल रहे इसकी कॉपी कॉपी, देखो ये कड़क हो गई है, मैं दूसरी और पका दी, क्योंकि मैंने ना आलू मोटे मोटे कट कर रखे हैं, तो इस करके थोड़ा वो लग गया है, मैं अभी भी आऊं तो दूर हो जाए बेटे, ताते हैं ये दो हाथ में ठा लेंगे, निचले भी गर्म होंगे, फिर कर दिए मैंने तो खा लिया अपना है पीछे ठीक है, इन्हें बहुत चाह था है ना।
ओ को थे आप ब्रेड पकोड़े बनाने के ब्रेड कड़ा हम ना बनाने तो नहीं से मम्मी भली लग जाएगी उस दिन बनाए नहीं थे आप ना ब्रेड के काम उतारे थे अपन पकोड़े ब्रेड पकोड़े बनाए थे नहीं ब्रेड के पकोड़े उतारे कौन मन जिंदगी में आज तक ना बना उतारे क्यों नहीं पिछले उसमें उतारे थे उतारे थे आपने ब्रेड के हां नहीं उतारे उतारे थे मना ब्रेड के पकोड़े आंदे कौन भाई मैं झूठियां भरू देखे थे आपने तारे थे कई थे आपने ब्रेड पकौड़े है ब्रेड में आलू है गाले थे आपने पकौड़े है गोल गोल ब्रेड के नहीं थे मैं तलू ने तू और पागल को आलू उबाल का नू के घेर रखे थे अच्छा वो नाना बनाया जब तक सुबह ले ले जा अपने दो चार हाथ में और जंदा जंदा खा लेगा दो चार हाथ में ले जी अपने जा खा लिए उड़े चिकाई के अपन तो चाय के साथ खाओगे वैसे गर्म है मजा लीजिए पकोड़ों का मजा लीजिए गाइस आपको भी खाना हो तो हमारे घर आके खा लेना खा लो सच में आपने तो पूछना भूल ही गई मैं खा लो गाइस पकोड़े जिसका भी मन हो कैसे लग रहे बढ़िया एक नंबर के टेस्टी अभी तो खा के भी नहीं देखा थोड़ा सा चक्कर हाँ चक्के देख लो तो गाइस पकोड़े मैंने बना लिए हैं और उरे लगा लिया सेल लगा दी खा लो गाइस और उरे गर्मा कर अंदर ही चाय चाय के बारे में देखो गाइस यह है चाय और ये है भाई सॉस दिखा भी हमने तो ये पकोड़े भाई खा लो ये बच्चे को करके देखते हैं कैसे बने हैं बाकी कड़ा का भाई ओके बहुत मस्त लग रही है दिखने में अमन को मुंह पानी आने लग रहा है अमन के भी लगा रखे मैंने से मैं उन तक सुखा के चले गया है ना मन तेरे नूर है जल्दी से खा जाओ कैमरा मैन बना रखा बड़ा सा टिकाई बन रही है खा लो गाइस चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े और सॉस एक नंबर के लग गया फोटो ले लेंगे कट हो गया आप देखो काम कर लिया ले चाय ठंडी हुई हुई तो दिया ना गिलास में डाल ली थी नहीं डाली गर्म करनी पड़ेगी पहले अच्छा गाइस जी इसने उड़ा करते हैं आप एंड हमारी वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके जरूर बता दियो और पकोड़े कैसे लगे वो बता दियो आप किस तरीके से बनाया करो बाकी मैं तो इसी तरीके से बनाया करूँ भाई और पकोड़े जिसने पसंद हो वो खा सकता भी आके कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय